मार्डुनोत्तर से आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी युवा रवि गोयल चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। रवि एक शिक्षित प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली की तर्ज पर भ्रष्टाचार को खत्म करना और विकास करना है। रवि का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इस बार आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में युवाओं को मौका दिया है। वार्ड 69 से झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर युवा रवि गोयल मैदान में है। रवि घर घर जाकर लोगों की चरण वंदना कर अपनी जीत के लिए वोट मांग रहे हैं। रवि का कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में विकास कराना है। जी, आम आदमी पार्टी से वार्ड 69 आवास विकास दक्षिण से प्रत्याशी हूँ और मुद्दों की कहानी ऐसी है कि आगरा के अंदर जो नगर निगम में अब तक घोटालों का जंजाल जो बिछा हुआ है, घोटालों, पंचर घोटाला, 50 तरीके के और घोटाले जिनके मैं नाम अगर आपको लूँगा तो लिस्ट बड़ी हो जाएगी, आप कहेंगे भाई साहब बंद हो जाओ, ऐसे इतने बड़े घोटाले हुए, उन घोटालों को मुक्त करने के लिए और दिल्ली जैसा विकास करने के लिए आम आदमी पार्टी आगरा के अंदर प्रयास कर रही है और जन समर्थन मिला तो हम इसको पूरी करके भी दिखाएंगे। रवि गोयल के मामा हरिओम मित्तल भी चुनाव में अपने भांजे की पूरी मदद कर रहे हैं। हरिओम भी भांजे के साथ घर घर जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। क्षेत्र में नगर निगम के नाले हैं, सफाई बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है, इन्हीं मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो 100% लग रही है और सर्व समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है। जब तक युवा नहीं आएगा, जब तक ऐसी सोच का बंदा नहीं आएगा, तब तक क्षेत्र का विकास कैसे? चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और जो आगरा की जनता को चाहिए, सफाई, पानी, हाउस टैक्स से जो भी कहना चाहिए समस्याएं हैं आगरा शहर में, वो सब पे पूरा ध्यान दे के अपना रवि गोयल जी अपने ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी हैं और अभी तक जनसेवा में उपलब्ध रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं हमेशा, तो जनता भी इनको हाथों हाथ ले रही है। रवि गोयल शिक्षित प्रत्याशी हैं। उनका सपना है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, नगर निगम में फैली गंदगी को दूर किया जाए। रवि गोयल का कहना है कि वो सफाई के लिए झाड़ू लगाएंगे। उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।